हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज स्पेशल में आपको कहेंगे खुशामदीद कराची की सियासी हलचल के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान हमने देखा कि जब एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके दूसरे ही दिन से एक धमाका खेज एंट्री फारूक सत्तार ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। एक पूरा सियासी हमने कैओस की सूरत हाल देखी जिसमें फारूक सत्तार साहब नाराज हो गए, उनके तमाम राबता कमेटी के उनको मनाने पहुंचे। उसके बाद हमने देखा उन्होंने यादगार शोधा का दौरा भी किया, फिर मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जवाब दिया गया, और न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि कई सवालात भी उनकी जानिब से उठा दिए गए। लेकिन एक बात उन्होंने कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि एमक्यूएम के साथ इस नाम के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं और बैठकर भी बात हो सकती है। अभी कराची की सियासत आगे कहां जाएगी, आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम कठपुतलियां हैं और ये कराची के जो आवाम है वो तमाम कठपुतलियों को नजरअंदाज करें और सिर्फ हम ही उनका जेन्युइन मैंडेट रखने वाले लोग हैं। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वसीम आफ्ताब साहब मौजूद हैं, पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, नाज़ बलोच साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और शेख सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। वसीम आफ्ताब साहब, जरा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मुस्तफा कमाल साहब क्लियर कट ये कह चुके हैं कि लफ्ज़ एमक्यूएम इस नाम के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो फिर एमक्यूएम तो अपना नाम बदलने को तैयार नहीं है। वहां से भी दो टोक अंदाज में कहा जा चुका है कि ना नाम चेंज होगा, ना मंशूर, ना इंतखाबी निशान। मामला कैसे आगे जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर हम सब एक नए सियासी माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान का सियासी माहौल में तब्दीली जा रही है। पंजाब के अंदर भी है, बलूचिस्तान में, केपीके में, और सिंध भी उसी हवा के रुख पर है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे खुशाइन पहलू है, जो मैं समझता हूँ सूबे के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और इसमें मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि कर रहा है माशाल्लाह से। कि देखिए, माजी में ये होता था कि यहाँ पर इख्तलाफात अगर किसी बात पर हो जाए तो शहर का अमन खराब हो जाता था। सही। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारा अपना एक सियासी नैरेटिव है और हमारे भाइयों का या पीपल्स पार्टी का एक अपनी अपनी बात है, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद शहर आज नॉर्मल है, और यही हमारी कामयाबी है। और इसी तरह हमें हम सबको मिलकर रहना, हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे सियासी नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारे काम करने के तरीकेकार पर एक दूसरे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए, कराची शहर के लिए, हम सब के लिए अच्छा ये है कि हम सब इख्तलाफ रखने के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करते हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे खूबसूरत बात है, सियासत तो होती रहेगी, आज माजी भी हो रही है, आज भी हो रही है। जो पाकिस्तान के इस सियासी माहौल की तब्दीली में जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद माहौल पुरसकून है, खुशगवार है, और मैं समझता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एक दूसरे को समझने में मजीद आसानी होगी, एक दूसरे के ख्यालात को, क्योंकि हम सब जिन लोगों के लिए अगर सियासत कर रहे हैं उसमें हर शख्स ये चाहता है कि अगर किसी का भला चाहता है तो उसको बैठ कर आज नहीं, कल नहीं, परसों, फिर उसके अगले बाद चाहे किसी भी टाइम हो बैठना जरूर होता है, टेबल पे सारे मसाइल हल होते हैं, तो ये खुशाइन बात है मैं समझता हूँ। तो इख्तलाफात मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद भी माहौल खुशाइंद है और पुरअमन है। नाज़ बलोच साहबा, कैसे आप रिएक्ट करेंगी ये जो इस वक्त जो पुरअमन माहौल है, इसको वसीम आफ्ताब साहब अपनी या अपनी जमात की इस वक्त कामयाबी गिरदान रहे हैं, ये इनकी और इनकी जमात की कामयाबी है, किसी और की कामयाबी है कि कराची में इस वक्त अमन बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची का जो अमन रिस्टोर हुआ है, पीएसपी तो एक साल नहीं हुए बने हुए पीएसपी को, कराची का जो अमन रिस्टोर हुआ है वो कराची ऑपरेशंस, कराची की पॉलिटिकल लीडरशिप की विल थी इस ऑपरेशन के लिए, पूरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, सिंध की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसने सपोर्ट किया इस ऑपरेशन को, और अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स और पुलिस के और सिंध गवर्नमेंट के तावन से शहर का अमन वापस लौटा है। तो हर चीज़ का क्रेडिट तो अपने पास ना लें कोई पॉलिटिकल पार्टी। बाकी जहां तक बात रही, जमहूरी अख्तियार है हर पॉलिटिकल पार्टी का, मैं समझती हूं कि वो अपना काम करें, अपने आप को मनवाएं, और वो समझते हैं कि इनकी मैनिफेस्टो पे अवाम
इनको सपोर्ट करेगी, तो इट्स अ गुड थिंग. जमहूरी राइट है उनका, डेमोक्रेटिक राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो पाकिस्तान के आईन की पासदारी रखते हुए, आईनी तकाजों को पूरे करते हुए अपने सियासत करें. लेकिन जो ये दो दिन से हम देख रहे हैं, ये तो टॉम एंड जेरी का कार्टून की सीरीज मुझे नजर आ रही है. ये इस किस्म की सियासत जो है ये तो कोई पॉजिटिव सियासत नहीं है, कोई हेल्दी पॉलिटिक्स ये नहीं है. कराची के लोग इन दोनों जमातों से ये एक्सपेक्टेशन तो कभी भी, मेरा ख्याल है, इनके अपने वर्कर्स नहीं रखते थे कि जो कुछ हो रहा है. यानी कि कल आके एक एक पीएसपी वाले कहते हैं कि फारूक सत्तार की मुलाकातें हो रही हैं लोगों से, फारूक सत्तार कहते हैं कि इनकी मुलाकातें सेफ हाउसेस में हो रही हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, वो कह रहे हैं जी आप एस्टेब्लिशमेंट दोनों एक साथ बैठे नजर आ जाते हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के ऊपर जो दे रहे हैं, उससे जो रिएक्शन इनके जो अपने वर्कर थे, कि पीएसपी की जो बुनियाद रखी गई थी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है. ये जाहिर बात है इतनी कोई पुरानी बात नहीं है, पीएसपी की जो बुनियाद रखी थी वो इस बुनियाद पे थी कि ये एंटी एमकेएम पॉलिटिकल पार्टी. और एमकेएम का मायने सिर्फ अल्ताफ हुसैन नहीं था, एक अल्ताफ हुसैन तो वहां से कॉल करते थे और जो लोग यहां बैठकर उनके ऊपर रिएक्शन कर रहे होते थे वो तो ये पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग थे, जो कि फर्दन फर्दन जो है वो एक एक करके पीएसपी में शामिल होते गए. फिर कहा गया जी जो पीएसपी में जा रहे थे, ड्राई क्लीनिंग मशीन है जो वहां जाता है वो सही हो जाता है और लोगों पर दबाव है, इस किस्म के पैगाम एमकेएम की तरफ से आने लगे. और फिर देखा गया कि रफ्ता रफ्ता जब डिप्टी नाजिम जो इनके हैं वो चले गए, डिप्टी मेयर चले गए पीएसपी में, तो उसके बाद उन्होंने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं जनाब, पूरी की पूरी एमकेएम को जम कर दो. तो जो बुनियादी वजूद का मकसद था पीएसपी का वही खत्म हो जाता है कि पूरी की पूरी एमकेएम से वो चले. आपका जरा पॉइंट आ गया. शेख सलाउद्दीन साहब को भी जरा गुफ्तगू में एड ऑन कर लेते हैं. शेख सलाउद्दीन साहब, फारूक सत्तार साहब 8 नवंबर को कुछ कहते हैं, 9 नवंबर को कोई और बात करते हैं और फिर 10 नवंबर को वो यादगारी शोधा पर जाते हैं. किस वाले दिन की बात हम फारूक सत्तार की माने, ये इस वक्त कर क्या रहे हैं, कौन से प्रेशर में इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, एक तो ये समझने की कोशिश करें कि जो मामला चल रहे हैं, पिछले आपने 3-4 दिनों से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हैं तो उसमें एक चीज़ साफ नज़र आ रही वाजे, जो हमारी तरफ से भी मौक़िफ है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का भी मौक़िफ है कि किसी किस्म की इंजीनियर्ड सियासत का अब कोई भी रास्ता नहीं होगा, ना अब ये चलेगी. तो अब ये इंजीनियर्ड सियासत को ख़त्म किया जाए और ये काम जो है अवाम पे छोड़ा जाए, क्योंकि अवाम ही एक आपको बेहतरीन जो है आपका एक पैमाना है कि जहाँ पे आपको अवाम जो है वो अगर सेलेक्ट करती है, अवाम आपको वोट देती है, अवाम आपको मैंडेट देती है, तो फिर आप जो है सियासत में आएँ और बाकायदा जो है वो चाहे सूबे की सियासत हो चाहे मुल्क की सियासत हो उसमें काम करें. अब ये जो मामलात हुए पिछले कई दिनों से, उसमें जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुस्तफा कमाल साहब भी बैठे थे, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी बैठे थे, वहाँ पे यकीनन हमारी ख्वाहिश ये थी कि एक सियासी इत्तेहाद हो जहाँ पे एक लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कराची और लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सूबा प्रोविंस और पाकिस्तान के लिए हम काम करेंगे मिल के. और हम ये चाहते थे कि कराची के अंदर जो अब अमन की हालात है वो बरकरार भी रहे, आगे मजीद इसमें पुरअमन हालात हों कराची के. शेख साहब, आप भी ये कह रहे हैं कि इंजीनियर सियासत नहीं होनी चाहिए और फारूक सत्तार साहब ने भी कहा ये इंजीनियर सियासत कौन करवाता है, किसकी मर्जी से होती है, कौन किसको मजबूर करता है, कैसे करता है, जरा इससे तो पर्दा हटाइए ना. देखिये, इसमें यकीनन अब बहुत खुल के बात सामने आ गई है और मुस्तफा कमाल साहब ने भी डायरेक्टली कहा और कुछ बंद अल्फाजों में फारूक सत्तार साहब ने भी कहा. शेख साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने तो कहा कि फारूक सत्तार साहब उनको कॉल करवाते हैं, किसी से किससे कॉल करवाते हैं? देखें, ये दोनों जो मामलात हैं दोनों तरफ से ही हैं, मतलब एक तरफा नहीं है और ये चीज़ें अभी से नहीं चल रही, पिछले कई दिनों से चल रही थी. अब मैंने कहा ना कि एक वसीतर जो है एक इत्तेहाद के लिए चीज़ें की गई थी. कराची में बेसिकली आपको पता है कि ये मैंडेट शुरू से एमकेएम के पास रहा है और एमकेएम पाकिस्तान बनने के बाद से ये जो पीएसपी भी है, पीएसपी भी ये चाह रही है कि ये जो इस वक्त मैंडेट है यहाँ पे आवाम का वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वो इस तरह ना ही बाइफिकेट हो जाए कि जहाँ पर कोई तीसरा फ़ायदा उठा जाए. क्योंकि यहाँ पे कराची में बेसिकली लड़ाई जो आपने देखी होगी शुरू से लेके आज तक कि यहाँ पे सिर्फ कब्ज़े की लड़ाई है, इसको ओन कोई नहीं करता, हर आदमी चाहता है यहाँ आना, लेकिन कराची के अवाम की बुनियादी सहूलतों के लिए, कराची के अवाम की जो मामलात ख़राब हैं जिससे इनके माश ख़राब है, इनकी एजुकेशन ख़राब है, इसकी हेल्थ ख़राब है, इसके लिए कोई प्लान नहीं बताता है. हर आदमी आता है कि ये ख़राब है, ये लोग ख़राब हैं, हम अच्छे हैं. अरे बात ये है कि यहाँ पर अपने प्लान्स दो
ताकि आवाम आपको आप जो है आपको वोट दे, क्योंकि जब तक कि आवाम आपको वोट नहीं देगी, यहाँ होता ही है कि बड़े बड़े लीडरान को मैंने देखा है कि आए यहाँ पर, उन्होंने जिस तरह लैंग्वेजेस यूज़ किए, देखिए यहाँ पर कराची की आवाम जो है बाशऊर है, पढ़ी लिखी है, यहाँ पर आपने बहुत ही जो है टेक्निकल तरीके से और जो है प्यार से और मोहब्बत से, और अगर आज जो कोई काम करेगा, क्योंकि इस वक्त जो कराची की सिचुएशन है, कराची तबाही के दाने पर है, बुनियादी सहूलतें नहीं है, पानी का मसला है, गटर उभरे हुए हैं, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, तो इसमें आके हमारी मदद करें, और अगर जो भी पार्टी आना चाहे हम उसको वेलकम करेंगे, जो जो यहाँ पर, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन की कैफियत है, जो फ्रस्ट्रेशन खत्म करेगा वही आगे जाके। शेख साहब आपका पॉइंट आ गया, जरा एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, ब्रेकिंग न्यूज के लिए एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वसीम आफ्ताब साहब भी हमारे साथ हैं, नाज़ बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इंजीनियर सियासत क्या इनकी पार्टियों को भी कोई मजबूर करता है करने या करवाने पर, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। आज स्पेशल में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले शेख सलाउद्दीन साहब का ये पॉइंट था कि जो इंजीनियर सियासत है ये दोनों ही जानिब से हो रही है, पीएसपी और एमक्यूएम दोनों ही पार्टीज पर दबाव है। जरा वसीम आफ्ताब साहब से इस बारे में उनका पॉइंट ले लेते हैं। वसीम आफ्ताब साहब, शेख साहब तो कह रहे हैं कि दोनों ही जानिब से इंजीनियर सियासत हो रही है, तो आपने क्या फारूक सत्तार साहब को अपने पास बुलाने से पहले कोई गारंटी नहीं ली थी कि वो अगले दिन जो उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, पहले से आपको अंदाज़ा था कि इस तरह का भी रिएक्शन उनकी जानिब से आ सकता है? देखिए सलाउद्दीन भाई की बात का मैं जवाब बाद में देता हूँ। पहले मैं अपनी बहन नाज, जो मेरी छोटी बहन है और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम है, जब ये पीटीआई में थी तब भी मेरे लिए काबिल एहतराम थी, आज पीपल्स पार्टी में है मेरे लिए उसी तरह काबिल एहतराम है। सही। और हम मैंने तो अपने पूरे बात में कहीं किसी भी सियासी जमात के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं कही, और मैंने कहा कि कराची शहर आज तब्दील हो रहा है, हम सबको अच्छे अल्फाज अदा करने की जरूरत है। यकीनी तौर पर अमन अगर आया तो हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट से आया, एक टीम वर्क है जिसमें सारे लोग शामिल हैं, और हम जरूरी नहीं है कि मैं आज पाकिस्तान के हालात को तब्दील करने के लिए हम सबको अच्छा रोल प्ले करने की जरूरत है, कि अगर हम अपनी बातों में अगर अच्छे अल्फाज अदा करेंगे तो नीचे कारकुनान हैं आम लोग हैं वो भी ये कहेंगे कि हाँ लड़ नहीं रहे, अच्छी बात जानी चाहिए, क्या जरूरत है कि अगर हम सिर्फ एक बात जैसे कि टॉम एंड जेरी वाला लग थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आज तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये ना कहें, लेकिन अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अच्छा मैसेज आना चाहिए, हम सब एक हैं, हमारे सियासी नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन हमें आपस में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के वकार के, जिस तरह मेरे लिए ये हमेशा मोहतरम रहेंगे। दूसरी बात देखिए ये बात के ये इंजीनियर सियासत है, ये सलाउद्दीन भाई का बयानिया मेरा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि देखें हम बिल्कुल हमारी सियासत पाकिस्तान के ऊपर मबनी है, हम फेडरेशन की सियासत करेंगे, मैं खुद माजर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं 30-32 साल बाद आज नीचे जब पहुँचूँ कि अगर मैं सिर्फ माजर करूँगा, आज इस शहर में दूसरी कौम के लोग भी रहते हैं, वो भी मेरे भाई हैं, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, बलोच सिंधी पंजाबी हो, हम सब मिलकर तो पाकिस्तान है, हम अकेले अलहदा होंगे, हमारे चारों तरफ से दुश्मनों ने हमारे खिलाफ। वसीम साहब अब तो एमक्यूएम भी पाकिस्तान है ना, उन्होंने भी अपने साथ पाकिस्तान लगा लिया, एमक्यूएम पाकिस्तान, तो अब एमक्यूएम के नाम पर एतराज क्यों? देखिए मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी जमात को ये नहीं कह रहा हूँ भाई वो मुझे हर हाल में मेरे नजरिए को मानेगी, तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी अपनी सियासत है, जो यकीनी तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान है, लेकिन उनकी बेसिक बेस वही है ना कि सब कुछ इस वक्त फारूक भाई ने जो कुछ कहा कि अभी कौन रंग लाएगा और सुबह बन जाएगा, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने भी अपनी एक बात की, और ये यही बातें इसकी वजह से माजी में सारे नुकसान हुए, यही वजह है माजी में तलखियां बढ़ती हैं, तो हमें अपने दूसरे दिन फारूक भाई ने कहा नहीं मैं ऐसी बात करती, तो आप एक ऐसा लीडर अगर इस तरह की बात करेगा जिसके असरात आम सिंधी और महाजनों के दरमियान गलत सहमियां और तश्वीश का बाइस बनेंगे, यही सारी चीजें इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। आज पाकिस्तान के इस शहर के जिसके सलाउद्दीन भाई दुख का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना ये तकलीफ है ना, ये हम सबकी तकलीफ है, अगर हम इस सूरत हाल के अंदर हम ये कहेंगे नहीं मुझे सिर्फ अपने माजिर कौम के लिए पानी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, मुझे सारे जो भी पाकिस्तानी है मुझे सबके लिए चाहिए, मुझे थर के बच्चों के लिए भी अच्छा पानी चाहिए, उनके लिए अच्छी गजा चाहिए, मुझे अपनी कौम के साथ साथ दीगर अफराद को मैं ओन करूंगा, पाकिस्तान आज बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, हम सब इसका इदराक करते हैं, तो हमें अपने बयानियों में अपनी बातों में अच्छा रिफ्लेक्शन देना चाहिए, बजाय ये कि हम ऐसी बातें करें। देखो कुलभूषण यादव ने इसी कराची के बारे में बहुत सारे मतलब बताया वो क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे हाल के अंदर अगर हम अपने ही मुल्क के लोगों को और उसके इदारों को उन चीजों में मुलविस करेंगे तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ने की जरूरत है, अच्छी बात करने की जरूरत है, ये अपनी पार्टी रखते हैं, अपना नजरिया रखते हैं, ये अगर नहीं समझते
वो वेलकम पीपल्स पार्टी भी इसी हमारे मुल्क की चाहिए जबरदस्त पार्टी है, वो भी अपना एक मंशूर रखती है। हम सब मिलके अपने अपने मंशूर लेके लोगों के पास जाएंगे, लोग जिसको पसंद करेंगे वो आ जाए, लेकिन हमारे घर में मैं समझता हूँ कि तलखी होनी चाहिए, अल्फाजों का इस्तेमाल जितना अच्छा करेंगे ये मुल्क में अच्छा मैसेज जाएगा। चलें ना साहब, ये बात तो बड़ी अच्छी करें वसीम आफ्ताब साहब के, तनकीद जरूर करें, लेकिन जाहिर है कि तमाम ही लोगों को, तमाम लोगों के लिए अल्फाज का बड़ा मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है कराची की, उसमें आपकी भी पार्टी इस वक्त बड़ी मुतारिक दिखाई दे रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने काफ़ी मुलाकातें की हैं, अभी डॉक्टर आसिम साहब भी कुछ देर पहले हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी, वो भी फारूक सत्तार साहब से मिले तो हैं, और वो जो एक नारा लगाया था फारूक सत्तार साहब ने अलग सूबे का एक बार फिर से, जो पहले भी वो कई बार लगा चुके हैं, उसकी तो उन्होंने कहा कि बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन ये जो मुलाकातें एम क्यू एम के रहनुमाओं से हो रही हैं, ये किस सिलसिले में, क्या दावतें आपकी जानिब से दी जा रही हैं कि वो ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी को? देखिए, ये जाती नौयत पे अगर कोई किसी से मिलता है, कोई मुलाकात होती है किसी पॉलिटिशियन की जाती इंफरादी हैसियत में, तो फिर उससे पार्टी का ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी का इस मुलाकात से जो आप इंदिया दे रहे हैं, जिस मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है उससे कोई पीपल्स पार्टी का सरोकार नहीं, वो जाती कैपेसिटी में जो है अगर कोई मुलाकात हुई है तो मैं उन मुलाकातों की बातें कर रहा हूँ जो आसिफ अली जरदारी से हुई है, खुशबख्श शुजात साहब की, जुनेद अली साहब की। आप अभी की बात करें जो आपके सलमान मुजाहिद बलोच भी शामिल हैं, वो जो मुलाकातें, अच्छा तो वो जो मुलाकातें, डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक की अलामत रही है, और पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर स्पेशली बहुत बड़ा किरदार रहा है हमेशा, हर दौर में हम जमहूरियत का, जब भी जमहूरी दौर हुआ है तो हम हुकूमत में आए हैं, तो अगर दूसरे पोलिटिकल पार्टीज के लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो लोग समझते हैं वो पीपल्स पार्टी में आके आवाम की खिदमत कर सकते हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू कम एंड ज्वाइन पीपल्स पार्टी। तो ये हर शख्स का भी जमहूरी हक होता है। देखिए, आधी से ज्यादा एम क्यू एम जो है वो एक एक करके पीएसपी की तरफ जो जा रही है, तो ये लोगों का जाती एक इख्तियार होता है, वो समझते हैं जिस पार्टी को अपने लिए राइट। लेकिन देखिए, बात ये हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि एम क्यू एम के अंदर जिस किस्म की डिविजन हमें पहले तो हम अफवाहें सुन रहे थे, लेकिन वो चीजें हकीकत में तब्दील होती हमें नजर आई। एक दिन एमएनए उनके जो अली रजा आबदी साहब है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस बुनियाद के ऊपर कि जी फारूक सत्तार पीएसपी के साथ जा मिले और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये वो उनका वो समझते थे कि ये वो वादे नहीं थे जो उन्होंने अपने वोटर से किए थे, तो लिहाजा वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विद इन द पार्टी इतनी चीजें सामने आ रही हैं कि उनके अपने वर्कर्स जो है वो हैरान है कि एक दिन कुछ कहा जा रहा है, दूसरे दिन अमली तौर पे कुछ हो रहा है, मतलब पीएसपी एमक्यूएम को बुरा बुरा कह के और उसकी उसके निगेट करते हुए, बुरा कहने का मकसद ये कि उनकी तमाम सियासत को निगेट करते हुए पीएसपी वजूद में आई, और आज एक हफ्ते अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो फारूक सत्तार क्या उन बातों को मान रहे हैं जो मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम के मुतालिक की हैं, क्या उन्होंने वो सब एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इसी तरह से बैठे हुए थे वो उनके साथ। तो लेकिन देखिए, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ कि अब पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची के अंदर ये लसानियत की बुनियाद के ऊपर सियासत जो है वो अवाम भी इसको सपोर्ट नहीं करती। अवाम वफाक की अलामत जो जमात होगी उसको सपोर्ट करेगी, जो यूनिटी की बात करेगा, क्योंकि कराची की बात अगर हम करते हैं वो तमाम कौमियतें जो कराची के अंदर मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान भर से ताल्लुक रखने वाले लोग, तो कराची इज लाइक अ मिनी पाकिस्तान। तो कराची के अंदर जो है ये लसानियत के नाम पे सियासत के बजाय सबको एक करने की सियासत हमें करनी चाहिए, और सबको अपना रोल प्ले करना, हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि अपना रोल प्ले करे। तो शेख साहब, क्या आपके जो पार्टी रहनुमा है एमएनए एमपीएस भी, क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, आपका वोटर आपका सपोर्टर क्या इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि जो पार्टी के रहनुमा दूसरे पार्टी के लीडर से जाके मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों का क्या तासर लिया जाए, फिर र्यूमर्स भी उठती हैं कि शायद दो चार लोग दूसरी पार्टीज को ज्वाइन करने जा रहे हैं, चूंकि इस वक्त एमक्यूएम अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। देखिए अहबाब साहब, बात यह है कि जो 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 आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, तो उसमें यकीनन कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें फैसल सरदारी भाई थे, उन्होंने बल्कि शुक्रिया अदा किया मुस्तफा कमाल साहब का कि सब एक बार फिर मुस्तैद हो गए, उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जहां पर जो है वो हमारे अंदर जो इख्तलाफ राय पैदा हुआ था, कम से कम वो सब इकट्ठे हो गए, तो अब वो ज़रूरत ही नहीं रही है कि उस बात को फिर हम डिस्कस किया जाए, क्योंकि अब सारे के सारे जो हैं वो मुत्तहिद हैं, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की सरबराई में सब जो है उनके कदम कदम के साथ साथ उनके साथ शेख साहब, जिन लोगों ने मुलाकातें की हैं आसिफ अली जरदारी से, वो लोग वो नजर नहीं आए कल उस मंजर में, खुशबख्श शुजात साहब गालिबन मौजूद नहीं थी, अली राशिद साहब
और जो दूसरे लोग डॉक्टर फौजिया साहिबा वो नज़र नहीं आए उस वक्त, अगर वो तमाम लोग भी मौजूद होते और फैसल साहब उस वक्त ये बात करते तो जवाब भी मिल जाता ना सबको कि सब मुत्तहिद हो गए, सब यहाँ मौजूद हैं। नहीं नहीं वो उसमें से खुशबख्श शुजा साहबा को मैंने खुद देखा था, वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पर जो जो दो तीन और जो थे जिनका बहुत ज़्यादा नाम गिर सब वहाँ मौजूद थे। अगर आप इस तरह कहेंगे तो मैं भी नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे। मसला ये कि अगर कमरों में बैठे हॉल में बैठे हुए सब बातचीत कर रहे हैं, हर आदमी वहाँ पे जो है कैमरे के सामने नहीं था। तो इस बात को लेकर कि ये कहना कि वहाँ पर जो है डॉक्टर फौजिया हमीद नहीं थी या खुशबख्श शुजात नहीं थी या दूसरे और रहनुमा नहीं थे, इसमें से दोनों का तो मुझे कन्फर्म इसलिए कि वे साथ ही बैठे थे ये लोग। और मैंने कहा कि ये इख्तलाफ राय कहीं भी किसी वक्त भी कभी भी हो सकता है, इसको मेरे ख्याल में अगर इसको बढ़ चढ़ा के बताया जाए तो फिर यहाँ पे पीपल्स पार्टी है ये बैठी हुई है ना साहब, उनको इख्तलाफ हुआ तो वो दूसरी पार्टी में चले गई, तो इससे मतलब ये थोड़ी है कि उस पार्टी का सारा जो है ख़त्म हो गया किसी के एक के जाने से। तो यहाँ वो अपनी जगह मौजूद है पार्टी, इसी तरह हमारे पास भी, अगर जैसे अली रज़ा आबदी ने जब ये सुना कि ये जम होने जा रहे हैं कि उनको पसंद नहीं था कि मर्ज हो, तो उन्होंने अपना वो इख्तियार है उनको कि उन्होंने अपना जो है एक ट्वीट भेज दिया कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह अगर किसी के आने जाने से कोई पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती, कोई उनका नज़रिया नहीं ख़त्म होता, चलते रहते हैं, ये इख्तलाफ वक्त भी किसी भी इशू पर हो सकता है। तो इसको मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इसको इशू बनाना और उस पर कि पार्टी के अंदर मामला ख़राब हो गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप आए कि जो ये बातें चल रही हैं बहुत सारे लोग सारी चीज़ें कह रहे हैं कराची के बारे में, मैंने कहना है कि कराची के बारे में सबको ये तो है कि महाजिर ना कहा जाए, पंजाबी ना कहा जाए, बलोच ना कहा जाए, सिंधी ना कहा जाए, सबसे आप पूछें जिनकी अपनी बुनियाद होती है ज़बान की या सेक की, तो उसकी बात वो अपने पास करता है। हमारी अब ये वसीम आफ्ताब भाई बड़े सीनियर हमारे रहनुमा हैं, इससे पहले सब हम साथ ही थे, तो अब इनको ये भी इसी बेस के ऊपर आज इनका नाम है ना, अगर ये माजिर नहीं होते किसी और पार्टी में होते तो इस पार्टी का नाम होता है, लेकिन एक एक बेस जो होता है ना उसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। प्राइमरी सेकेंडरी चीजें जो है वो साथ रहती हैं, आगे तक चलती हैं, उसके बाद प्रोफेशनल बेस को खत्म नहीं कर सकते, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, जो इस वक्त आपके मुखालफिन है वो तो आपकी बेस को खत्म करने का ही मुतालबा कर रहे हैं। और अभी प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं उसमें शेख साहब, एक ब्रेक मिले, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत ही मौत वापस आते हैं और फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, कराची की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है इस वक्त शेख सलाउद्दीन साहब, वसीम आफ्ताब साहब, नाज़ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शेख आफ्ताब साहब ने जो अपना पॉइंट दिया कि जो आइडेंटिटी है किसी पार्टी की, ज़ाहिर है कि वो तब्दील करना बड़ा ही मुश्किल होता है और किसी भी पार्टी का नाम तब्दील करना तो बहुत ही एक मुश्किल काम है। वसीम आफ्ताब साहब, जो आपका एक मुतालबा था, मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो मुतालबा था कि जब तक MQM अपना नाम नहीं तब्दील करती उस वक्त तक तो इनसे किसी भी तरह का कोई इत्तेहाद नहीं होगा, लेकिन जो गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ये अपने मुतालबे से वो पीछे हट गया या उसी मुतालबे के साथ अब वो कह रहे हैं कि डेडलॉक नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि दोनों फरीकैन ने अपना अपना मौकफ रखा हुआ है, हमारा अपना एक मौकफ बिल्कुल साफ है, उसमें कहीं कोई भाव नहीं है, उनकी तरफ से भी, फारूक सत्तार साहब की तरफ से भी एक बात आई हुई है। तो मेरे ख्याल में ये है कि अगर फ्यूचर में अगर ये समझेंगे कि भाई बैठना चाहिए, हमारी तरफ से इन्होंने भी ऑफर दी हुई है, हमारी तरफ से हमने भी ऑफर दी हुई है, अब अगर कोई, लेकिन हमारी तरफ से जो हम वाजे बात है वो ये कि हम ऐसे इत्तेहाद का फिर दोबारा उस तरफ चले जाएं जिसके नतीजे में दोबारा नफरतें हों, दोबारा शहर तकसीम हो, जबान की बुनियाद। लेकिन वसीम साहब, ये डेडलॉक तो है ना, अगर वो अपने मुतालबे पर कायम है, आप अपनी बात पर कायम है, तो इसका मतलब तो डेडलॉक है और मुस्तफा कमाल साहब का कोई डेडलॉक नहीं? डेडलॉक नहीं है ना, देखिए ना, मैंने कहा ना कि बैठने से ही, देखे दुनिया के सारे मसाइल बैठने से ही हल होते हैं, लेकिन मैं समझ, देखिए इसके साथ साथ ये भी बात है, देखिए पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, ये बिल्कुल ये बात सही है कि आइडियल कंडीशन कहीं पर किसी जगह भी नहीं है, लेकिन क्या इस बुनियाद पर कभी फला शख्स खराब कर रहा है तो मैं भी खराब करता रहूं, एक दूसरे फरीक ने गलती कर दी मैं उसका जवाब गलती से नहीं, भाई किसी को तो इब्तदा करनी होगी। आज अगर हम सब मिलकर ये तय करें कि हमें कुछ भी हो जाए पाकिस्तान की फेडरेशन की सियासत करनी है, हमें इख्तलाफात को बुला के एक अच्छे पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले करना हो, मैं समझता हूँ कि बहुत गुंजाइश है। हर मैंने कहा, देखा ना, अगर कराची, मैंने महाजिर नाम पर सियासत की है, लेकिन मैं ये जब
पीछे पलट कर देखता हूँ तो मेरी सियासत के नतीजे में माजिद कौम को जहाँ आगे जाना चाहता वो पीछे चले गए। मेरे जब मैंने सियासत शुरू की थी उस वक्त मेरे कौम का मसला तालीम नहीं था, उस वक्त पानी नहीं था, कचरा नहीं था, मेरी कौम के पास बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कुछ भी नहीं है। जो पूरा ये अमल रहा है उसका तो आप भी हिस्सा रहे ना, निजाम का आप हिस्सा रहे, आप भी इसी जमात में शामिल थे जिसमें आप उंगली उठाए। मैं यही देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर लीडरशिप ये होती है ना कि अगर आपको एक खराब चीज नजर आ गई तो बजाइए कि आप उसकी खराबी पे कायम रहे। नहीं भाई, लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आपको बेहतर फैसले करने होंगे, बेहतरी के लिए फैसले करने होंगे, इसमें कोई आना नहीं है कि मैं कोई ना भाई मैंने एक बात कही तो मैं हमेशा उस पर काम नहीं। भाई इंसान के इंसान है हम सब, हमसे गलती हो सकती है, हम मशीन नहीं है कि अगर एक प्रोग्राम फीट हो गया तो हमेशा वैसे रहेगा। नहीं, मैं अपनी गलती पर बिल्कुल अपनी गलती मानूंगा, लेकिन हम सबको इसलाह के अंदर अपना स्पेस निकालेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सब बैठ कर ये तय करें कि इसके नतीजे में हर पाकिस्तानी को देखे, कराची के अंदर मसाइल अपनी जगह है, थर में भी वैसे ही मसाइल हैं, पंजाब के जनूबी पंजाब में भी वैसी मसाइल है, फाटक के अंदर मसाइल है, बलूचिस्तान के अंदर अपने मसाइल है। अगर हर शख्स अपनी इस शिकायत की बुनियाद से कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और हम सब इख्तलाफ करके लड़ने लग जाएंगे तो इसके नतीजे में पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। जो जो दुश्मन दुश्मनान पाकिस्तान ये चाहते हैं कि इस तरह पाकिस्तान कमजोर हो जाए, टूट जाए, अल्लाह ना करे, तो हम सबको मिलकर अपने रोल प्ले करना होगा। कुलभूषण यादव के इंकशाफात के बाद भी क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें आगे की तरफ बढ़े, हम अच्छाई की तरफ जाएं, पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान का माशी हब अगर सही होगा ऑटोमेटिकली पाकिस्तान मजबूत होगा, ये हमारा एक नैरेटिव। ठीक है, अच्छा नासा भाई, जो शिकायत मुसलसल एमक्यूएम को रही है कि उनके लोगों की वफादारियां तब्दील कराने के लिए फोन कॉल्स आ जाती हैं कि जी आप पीएसपी में शामिल हो जाएं, तो क्या ऐसा आपकी जमात के साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है? आपको भी किसी की फोन कॉल्स आई, आपको या आपकी जो साबिक जमात थी पीटीआई वहां भी आप रابطे में रहती होंगी, कोई और इस तरह का वाकया कोई रिपोर्ट हुआ, सिर्फ एमक्यूएम के लोगों को ये शिकायत है? नहीं जनाब, मैं तो पीटीआई भी एज एन इंडिपेंडेंट एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक पाकिस्तानी सिटीजन की लॉ अबाइडिंग सिटीजन की हैसियत से मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैं उधर काम करती रही, स्ट्रगल करती रही, हार्ड वर्क पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए अपनी कुर्बानियां, जितनी भी स्ट्रगल एफर्ट है वो करती रही। फिर मुझे लगा कि पीपल्स पार्टी मेरे लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपना ज्यादा जो है आवाम की खिदमत कर सकूंगी, तो मैं अपनी जाती फैसले की बुनियाद पर और अपने आवाम के लोगों कि जो मेरे वर्कर्स पार्टी के हमारे वर्कर्स थे उनकी जो है उनकी उनकी मशावरत के बाद मैं पीपल्स पार्टी में आ गई। तो मुझे तो खैर कोई फोन कॉल नहीं आई और ना मुझे किसी ने कहा था पीटीआई ज्वाइन करो और ना मुझे किसी ने कहा था किसी कोई इस किस्म की बात। ये बात यह है, इस वक्त जो सिचुएशन है सामने बड़ी एक हैरानकुन तशवीशनाक सिचुएशन है। एक तरफ मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि फारूक सत्तार जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एस्टेब्लिशमेंट से ताकि उनकी मीटिंग और मुस्तफा कमाल की मीटिंग अरेंज की जाए, दूसरी तरफ फारूक सत्तार कह रहे हैं कि इंजीनियर पॉलिटिक्स जो है उसका इख्तिताम होना चाहिए, वो इंजीनियर पॉलिटिक्स के हक में नहीं है। तो ये दो मतजाद बयान हैं, अब इन दोनों में से कौन सा बयान है जो सही है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है इनमें से? तो ये मलाइन क्यों किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को क्यों मलाइन किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये बात डेफिनेटली इनमें से जो बात फारूक सत्तार कह रहे हैं, फारूक सत्तार मुस्तफा कमाल के मुस्तफा कमाल का नाम कोट करके वो बता रहे हैं, मुस्तफा कमाल ने खुद बताया कि फारूक सत्तार जो उन्होंने रिक्वेस्ट किए इदारों से कि मुलाकात कराई जाए, तो अब ये जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल है अवाम जो है ना वो पोलिटिकल पार्टीज वो कामयाब होती हैं जो अवाम की सोच के मुताबिक उनकी आवाम की रिप्रेजेंटेशन ट्रू मींस में कर रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये अभी हाई टाइम हो गया और हर पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है और हर पॉलिटिकल वर्कर, देखिए अभी बात हो रही थी पॉलिटिकल वर्कर्स की और किसी ने मेरा वो जिक्र अभी किया कि जी मैं पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी में आई, तो पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं वो पार्टी के लिए पिलर्स होते हैं, वो उनकी उनकी जो स्ट्रगल और एफर्ट होती है उसके अंदर बहुत बड़ा उनका किरदार होता है और एक ब्रिक की तरह होती है पॉलिटिकल वर्कर कोई भी हो। तो अगर पॉलिटिकल वर्कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो असर तो पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। चलें, ये कह देना कि ये असर कुछ नहीं पड़ता, बात आपने की है, इसका जवाब जरा शेख साहब से ले लेते हैं। शेख साहब, ये तजादात क्यों है बयान में? मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने मुलाकात की फारूक सत्तार साहब के साथ वो तो फारूक सत्तार साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की थी और बाद में वो ये मुतालबा करते हैं कि इंजीनियर सियासत का खात्मा होना चाहिए, दोनों में से कौन सी वाली बात सही है? दोनों बातें सही है। अच्छा, तो कैसे, जरा वजाहत कर दीजिएगा शेख साहब। एक चीज और मैं वजाहत करता हूँ, अभी नास साहिबा ने भी जो ये पहले तहरीक इंसाफ में थी, आपको याद होगा कि जब ये कंटेनर की सियासत होती थी तो वहाँ पे भी एक एम्पायर की उंगली का इशारे की देर थी,
तो हमेशा वो जिक्र होता था कि एम्पायर किसी वक्त भी उंगली उठाने वाले हैं। तो ये वो चीज़ें कि जहाँ पर कोई ना कोई है। पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर जो है, जब हमने पिछले दिनों जरदारी साहब के बयान देखे तो वहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और यूं कर देंगे, फना कर देंगे। ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पर इंजीनियर सियासत की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं सामने आके बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। तो ये अब मैं समझता हूँ कि इस बात को हर पार्टी, तमाम पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन पार्टी, उनको चाहिए कि ये इंजीनियर सियासत के बजाय ये काम अवाम पे छोड़ दें कि अवाम जिनको लेके आएगी, अवाम जिनके जिनको जो है वोट देगी, वो आके हुक्मरानी करें। बाकी मैं समझता हूं 5 नवंबर को, कोई भी 5 नवंबर को तो आपने अच्छा खासा क्राउड जमा कर लिया था, इतना बड़ा जलसा कर लिया था, फिर फारूक सत्तार साहब को क्यों जरूरत पेश आई एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करने की कि मुस्तफा कमाल और उनको साथ साथ बिठाया जाए? देखें, फारूक सत्तार भाई के साथ जो मामला चले काफ़ी दिनों से, जब से हमने 23 अगस्त का कदम उठाया उसके बाद से इतने मुकदमात उनके ऊपर, ताली बजाने के और जलसे में तकारीर सुनने के और बेइंतहा इस तरह के बेबुनियाद सियासी मुकदमात उनके ऊपर हैं। उसके ऊपर ये जो है हमेशा जो है दबाव प्रेशर डाला जाता है कि हम जो है वो किसी वक्त भी इनको जो है वो अंदर कर देंगे। उसका फ़ायदा पीएसपी जो है उठाने के लिए तैयार रहती है कि किसी तरीके से फारूक सत्तार साहब जो है वो अंदर हो जाएं, फिर हमें जो है कराची के अंदर जो है स्पेस मिल जाएगा काम करने का, क्योंकि इनके पास लीडरशिप और है ही नहीं। तो ये लोगों के जहनों की मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये जो है बड़ी मैं वजाहत से बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा एक सियासी वर्कर के हवाले से, कि हम भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इतने अरसे से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मामलात हैं हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी जो है कि अंडर में आके या प्रेशर में आके जो है वो कोई ना कोई ऐसी सियासत की जाती है कि जहाँ पर आवाम कंफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही रहा है कि आवाम इतनी कंफ्यूज हुई है इस पूरे एपिसोड में कि आवाम को इतना कंफ्यूज रखा, पूरा आपका देखें पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरी कार्रवाइयाँ भी देख रहा था, लेकिन फारूक सत्तार भाई ने बहुत सच उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अपने आप को पेश किया कि मेरी 35 साल 36 साल की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके अंदर मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। उन्होंने वो तमाम बातें खुल के बता दी कि आज मेरे पास क्या है और उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा गेस्चर था पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तमाम पार्टीज के सरबरा इसी तरह अपने आप को पेश करें। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर की कीमत भी बता दी और ना लाइटर नोट, क्या 17 लाख में आप कोई लैंड क्रूजर ले सकते हैं? देखें यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास की सियासत है या हम जो जिस सैलरीज के अंदर हैं वो सैलरीज इस बात की इजाज़त ही नहीं देती। अब आ जाए इन बड़े बड़े लोगों की बात भी करता हूँ जिनके पास पैसा भी है, बिजनेसमैन भी हैं, उनकी अगर उनके भी इनकम देख लें, क्योंकि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में या नैब के अंदर या एफ आई अंदर केसेस चल रहे हैं वो आमदनी और अखराजात के चल रहे हैं। आपकी आमदनी इतनी है ही नहीं, अखराजात आपके इतने ज्यादा हैं, तो वो तो साफ नजर आते हैं। जब हम भी असेंबली में जाते हैं देखते हैं एक आम जो है एमएनए या एमपी जो है वो लैंड क्रूजर में चला रहा है, उसके पास 6-6 गाड़ियां भी हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एफबीआर के लिए भी एक चैलेंज है कि इस पाकिस्तान के अंदर, इस कराची शहर के अंदर अगर सिर्फ डिफेंस चले जाए और हर घर में ये चले जाए तो हर घर में 6 गाड़ियां मिलेंगी, 4 गाड़ियां मिलेंगी, तो ये तो आराम से बहुत पता चल जाएगा आमदनी और खराज का जो है मुआवजा किया जा सकता है कि आमदनी आई कहां से, एसेट्स बने कहां से, जबकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है। आखिर में मुख्तसरन आप भी बता दीजिए कि मुस्तफा कमाल साहब उस शख्स का नाम बताते क्यों नहीं, वो जो उनके दोस्त हैं जिसने उन्हें लैंड क्रूजर और खैबान शहर का घर दिया हुआ है, जिक्र जरूर करते हैं, नाम नहीं बताते। वो तो उन्होंने सबको ऑफर कर दिए ना कि मैं तो, उन्होंने कहा कि मीडिया दीगर सब जो भी वो सब लोग देख लें हो जाती है चीजें, तो मैं तो सियासत तो मुझे छोड़ के चला जाऊंगा, फारूक भाई भी ऐसा कर लें। दूसरी बात देखें सलाउद्दीन भाई थोड़ा सा परेशानी की सूरत हाल में है और ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनमें थोड़ा सा इत्तेहाद हो गया है, तो जब लीडरशिप इस हद तक मुंतशिर हो कि हमें हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इत्तेहाद हो जाए। और प्रेशर का नाम बता देना कौन सा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, भाई अगर आप सिविल इदारों के प्रेशर है तो उनका बताएं, कोई दूसरे लोगों को सकेंगे आ चुके, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब, पाकिस्तान जमीन पार्टी के रहनुमा हमारे साथ थे, साहब एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आपका भी बहुत शुक्रिया, नाज बलो साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज स्पेशल से फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।